बिहार के चुनावी नतीजों से ये साफ हो गया है कि यादव वोट बैंक मजबूती से तेजस्वी के साथ खड़ा है, जबकि नीतीश कुमार के कुर्मी कोयरी वोट बैंक दो फाड़ हो जाने से इस चुनाव में जेडीयू की सीटें काफी कम हो गई हैं। ऐसे में एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने पुराने कुर्मी कोयरी वोट समीकरण को हासिल करने में जुटे हैं। आरसीपी सिंह जो कि नालंदा के कुर्मी हैं, उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पार्टी अपने आधार को साथ जोड़कर रखेगी। तो उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्होंने कोयरी वोट बैंक को मजबूत करने का संदेश दिया है। हालांकि जेडीयू जिस तरह से कुर्मी कोयरी को प्रमोट कर रही है, वैसे में दूसरी जातियों के नेताओं के मन में थोड़ी सी बेचैनी जरूर हो सकती है। पार्टी के भीतर और बाहर जातिवाद छवि को तोड़ने के लिए ललन सिंह को नीतीश कुमार ने आगे किया है। ललन सिंह ने दावा किया है कि जेडीयू सभी जाति को तवज्जो देती है। बिहार के चुनावी नतीजों ने जनता दल यूनाइटेड में बदलाव की गति को तेज कर दिया है। नीतीश कुमार चुपचाप से अपनी पार्टी की कमियों को दूर करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जेडीयू ने उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कुशवाहा ने पदभार संभालते ही युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास के मिशन को संगठन गांव-गांव तक पहुंचाएगी। मीडिया के साथियों को पार्टी का अभिनंदन स्वागत करते हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग के लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता चरण कार्य अध्यक्ष उपस्थित हैं। हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दबाव बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता लोग ने जो हमें नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जवाबदेही दिया, उस जवाबदेही को मैं सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। और जो हम लोग का पार्टी का जो मूल मंत्र है विकास का, जो हमारे नेता का जो आगे बढ़ने हैं न्याय के साथ सबों का विकास, और उसी के रूप में हम लोग उसको कायम रखेंगे। समाज के सब तबके के लोगों को साथ जोड़कर एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। संगठन को मजबूत करने का जो हमें जवाबदेही दिया है, उस जवाबदेही को हम निर्माण करने का प्रयास करेंगे सफलतापूर्वक और युवाओं को। वही नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी ने कुशवाहा को बधाई दी। चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता के उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर है। चौधरी ने कहा कि युवाओं को रोजगार और गांवों का विकास करना सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। हम अपने नए अध्यक्ष का स्वागत करते हैं। माननीय नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे नौजवान साथी पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा जी को इस जिम्मेवारी का निर्वहन करने की जिम्मेवारी दी है। हम सब साथी जो पार्टी के सशक्त और मजबूत रूप से पार्टी के साथ और नीतीश जी की विचारधारा को इस प्रदेश में मजबूत करने वाले लोग हैं, वो उमेश कुशवाहा जी के साथ ताकत के साथ लग करके इस पार्टी में नए धारदार संगठन कैसे बने, नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए, नया यंग ब्लड कैसे इन्फ्यूज किया जाए इस पार्टी में, उस पर हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ बिहार की जनता ने इस प्रदेश में एनडीए के शासन को फिर से स्थापित किया है और माननीय नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का जो मैंडेट दिया है और जो माननीय नेता ने इस प्रदेश में घूम घूम करके जो घोषणाएं की थी कि जिनके ऊपर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसकी जिसका हम लोगों ने पहली कैबिनेट में जो हम लोगों ने सहमति प्रदान की है, उस पर हम लोग इन 5 वर्षों में काम करेंगे। नौजवानों के लाइवलीहुड कैसे इस प्रदेश में सशक्त हो, नए रोजगार का कैसे सृजन हो, गांव हमारा जो ग्रामीण इलाका है वो कैसे सशक्त हो, इन सब चीज पर काम करके दोबारा इस प्रदेश में आने वाले समय में मजबूती के साथ एनडीए को खड़ा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वही जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाएं हाथ माने जाने वाले ललन सिंह ने कहा कि अब 20 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है। ललन सिंह ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई लोग तो पूरे चुनाव में घूम घूम के रोजगार दे रहे थे, रोजगार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार गठन के बाद पहली बैठक में 20 लाख रोजगार सृजन के प्रस्ताव को सहमति दिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय में 20 लाख रोजगार सृजित होंगे और 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारे प्रस्ताव हैं जो हम लोगों ने पार्टी की बैठक में, 2 दिनों की बैठक में पास किया है। आप सबों को उस प्रस्ताव की कॉपी वितरित की जाएगी। आप सबों को बहुत बहुत
धन्यवाद। और उमेश कुशवाहा जी, अशोक चौधरी जी कुछ बोल लीजिए। तो पहले उमेश कुशवाहा जी बोल लीजिए। आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, मीडिया के साथियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। 20 लाख वाला छूट रहते थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग के लोकसभा में मास्टर पार्टी के संसदीय दल के नेता तरुण गौर जब से आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष और उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से जेडीयू पर कुर्मी कोयरी जाति को ही प्रमोट करने का आरोप लग रहा है। लेकिन ललन सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जेडीयू सभी जाति और धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम लोग समाज के हर तबके को लेकर साथ चलते हैं, समाज के हर तबके को न्याय के साथ विकास का यही मतलब है। तो समाज के हर तबके को जोड़ के हम लोग इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी नतीजों के बाद नीतीश कुमार कुर्मी कोयरी वोट बैंक के दरार को पाटने में लगे हैं। ऐसा करके ही आरजेडी के चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यादव वोट बैंक के बरकश कुर्मी कोयरी वोट बैंक खड़ा करके ही जेडीयू की जड़ों को मजबूत किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।